साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे, भाई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए मैं देने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था टिकट कोई बहुत महंगी हो रही है, कितने बंदे इंडिया में पहुंच चुके हैं, अब तक कितने फ्लाइट आ चुकी हैं, कौन सी कंट्री से। गवर्नमेंट ने कुछ आपके लिए ठीक किया, थोड़ा सा टाइम भी घटाया क्वारंटाइन में, इस रिलेटेड हम बात करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो भाई देखिए, पहली तो इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ कि सैटरडे तक रात को 9 तक भारत में 2100 के लगभग बंदे इंडिया पहुंच चुके हैं अभी दो दिन के दौरान, ठीक है साथियों। और इसके बाद में मैं बता दूं कि इंडिया में गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन का जो टाइम घटा के 10 दिन कर दिया है, 14 दिन की बजाय 10 दिन कर दिया। पहले 14 दिन का टाइम था, क्वारंटाइन 14 दिन रखेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने आज घोषणा की है कि भाई 10 दिन रखेंगे। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है मैं बता दूं कि इंडिया में कोरोना की भयंकर तरीके से महामारी चल रही है, 62,000 प्लस अभी तक पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 2100 के करीब डेथ हो चुकी हैं, 19,000 के करीब रिकवर कर लिए गए, यानी कोरोना एक चरम सीमा पर पहुँचने के कगार पर है। इस स्थिति को देखते हुए मरीज की संख्या कम हो तो थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन दिया है कि भाई दो तीन छूट दिए हैं। मैं बता दूं आपको कि पहला तो जो मतलब जिनके 3 दिन जो बुखार नहीं हो, जैसे आप एडमिट हो गए 3 दिन तक आपका कोई बुखार नहीं है तो आपको 10 दिन के अंदर छुट्टी मिल जाएगी, 10 दिन में आप घर जा सकते हो। दूसरा, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि भाई आप अपनी मनपसंद, चाहे आप होटल में रुक सकते हो, चाहे आप किराए के कमरे में रुक सकते हो, गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी गई है। आपके पास पैसा होना चाहिए, आपको लगता है कि आप सक्षम हो, आपके पास 2 पैसे हैं जेब में, तो भैया लग्जरी होटल में रुक लो, चाहे नॉर्मल होटल में रुक लो, चाहे आप किसी का रूम ले रेंट लेके भी आप रुक सकते हैं, वो अपने स्तर पे देख लीजिए। आज की गवर्नमेंट की सैटरडे 9 मई की ये घोषणा की गई है। आगे हम बात कर लेते हैं साथियों कि इतने जो बंदे आए हैं उनमें से टिकट से रिलेटेड भी मैं बात करूंगा आगे। इससे पहले बता देता हूं कि आज 2-3 दिन के अंदर कौन सी कंट्रियों के कहां से कितने कितने बंदे आए हैं। सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा बंदे एक साथ आए सर साथियों मालदीव से। मालदीव से आपको पता है जलवा गया था वहां लेने के लिए, तो 800 बंदे उसमें एक साथ हैं जो आज रात को इंडिया पहुंच जाएंगे कोची समुद्र बंदरगाह पे। उसके बाद मैं बता दूं दुबई से अब तक 5 फ्लाइटें आ चुकी हैं, जिनमें से कौन से कहां से आई है मैं बता दूं, शनिवार को आज की कल की डेट में सैटरडे की बात करें तो 250 यूके से छात्र इंडिया आ चुके हैं, उनमें से दुबई से 177 आ चुके हैं जो कोची उतर गए, आबू धाबी से 181 आ चुके हैं यात्री जो कोची उनको रोका गया है, बहरीन से साथियों फ्लाइट आ चुकी है उसमें 182 यात्री थे जो कोची उनको रोका गया है, सिंगापुर से दिल्ली फ्लाइट आ चुकी है जिसमें 234 यात्री आ चुके हैं इंडिया, बांग्लादेश ढाका से 138 छात्र आ चुके हैं श्रीनगर, उनको क्वारंटाइन किया गया है। आगे मैं बता दूं कि खाड़ी रियाद यानी सऊदी से एक फ्लाइट आ चुकी है, 152 बंदे इंडिया आ चुके हैं जिनको अलग क्वारंटाइन किया गया है। आगे मैं बता दूं साथियों ओमान से आज एक फ्लाइट आई है जो रात को सैटरडे 9 बजे इंडिया पहुँच गई, 180 यात्री उसमें फ्लाइट से आए हैं। जी हाँ साथियों, ये फ्लाइट इतनी अभी तक आ चुकी हैं इंडिया में, लगभग 2,100 बंदे 2 दिन में रिकवर हो गए हैं। गवर्नमेंट बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है आगे आने वाले टाइम में, 15 मई के बाद में इसको बूम तरीके से उठा के जल्दी सब लोगों को रिकवर करने की गवर्नमेंट बोल रही है। बाकी जो ये फ्लाइट मैं बता रहा हूँ इनमें कुछ लोगों को अपने होमग्रह भेज दिया गया है, जैसे यूपी पंजाब हिमाचल के लोगों को बसों के जरिए उनके राज्य भेज दिया गया है। अच्छी बात है कि भाई वो अपने स्टेट में चले गए, वहीं उनको 14 दिन या 12 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये भी ठीक है कि वो अपने जैसे दिल्ली उतरे या फिर कहीं भी उतरे उनको गवर्नमेंट ने बसों की व्यवस्था से उनको अपने होम भेज दिया गया है स्टेट की बात करें तो। अब भाई टिकट की बात कर ले मैं बता दूं, आप बोल रहे थे टिकट बहुत महंगी है, टिकट बहुत महंगी होती अगर गवर्नमेंट अपने हाथ में नहीं लेती तो। मैं बता दूं काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे गवर्नमेंट तो कमाने में लगी है, गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, भाई नहीं बिल्कुल भी नहीं कमा रही है। मैंने पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूं, इधर से फ्लाइट खाली जाती है उधर से 400 की फ्लाइट में 200 बंदे आते हैं, कहां से कमा लेती है, आपसे कौन से 30,000-40,000 रुपए दे रहे हो। ऑनलाइन मैंने आपको दिखाया था दुबई का 11-12-13 तारीख का 35,000 की टिकट शो कर रही थी, अभी ओमान जो फ्लाइट आई है वो ओनली फॉर 71 रुपीज, वहां ओमानी रियाल यानी इंडिया का मात्र 13,900 कुछ यानी 14,000 रुपए मान लीजिए, ओमान से जो टिकट पड़ी है वो प्रत्येक कैंडिडेट की 14,000 रुपए टिकट पड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई महंगी है। आप समझ लीजिए इस दौर में
हर चीज़ का भाव डबल हो रहा है। अगर आप अपने स्तर पे आते, फ्लाइट गवर्नमेंट बोल देती हाँ जी आप ले आओ, कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों को बोल देती हम यहाँ पे तैयार हैं, तो गारंटी के साथ ये टिकट 3 गुना महंगी होती, होनी थी, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ से प्लेन खाली जा रही है, फिर वहाँ से भी 400 की जगह 200 लेके आ रही है, तो रिकवर तो 400 बंदों की फीस करनी है ना, तो वो 4 गुना महंगी पड़ती, स्वाभाविक सी बात है। 14,000 में ओमान की आज ही फ्लाइट आई है जो इंडिया में रात को 9 बजे उतर चुकी है, तो कितनी अच्छी बात है भाई, टिकटें महंगी नहीं है, टिकटें सस्ती हैं। बाकी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये पैसा आपको तो थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा भाव पड़ जाता है। इस पे ज़्यादा लेक्चर मुझे देना नहीं, आप सब समझदार हो, इस बात को थोड़ा समझिए। आज की जानकारी इतनी थी, नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी मिलते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के आपको हर रोज़ विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।